नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। जब मन उन्मुक्त हो तो आकांक्षाओं को भी पंख फैलाने के लिए खुला आसमान मिल जाता है, और उसके साथ जब मेहनत और लगन जुड़ जाते हैं तो असाध्य लक्ष्य भी करीब आ जाते हैं। ये साबित कर दिखाया है हमारी आज की तेजस्विनी ने। उम्र में बहुत छोटी हैं आप, लेकिन बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर रही हैं। आप देश की जानी मानी निशानेबाज हैं, जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर विश्व स्तर तक गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर देश का नाम कई बार रोशन कर चुकी हैं, और अब ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रही हैं। आज की हमारी तेजस्विनी है जाने माने निशानेबाज मनु भाकर। बेटियों के बढ़ते कदमों को प्रोत्साहित किया जाए तो वो विश्व पटल पर देश का नाम रोशन करने की हिम्मत रखती है। हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव की मनु भाकर ने 16 साल की छोटी उम्र में ही ये साबित कर दिया कि जब ISSF वर्ल्ड कप में दो बार के विश्व पदक विजेता को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बनी। ये स्वर्णिम सफर लगातार जारी है। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में राष्ट्रमंडल खेलों का नया कीर्तिमान बनाते हुए मनु भाकर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यही नहीं, सभी चार विश्व कप में मिक्स डबल में स्वर्ण पदक भी जीता, और साथ ही टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए कोटा भी पक्का कर लिया। 15 साल की उम्र में राष्ट्रीय निशानेबाजी में 9 स्वर्ण पदक जीत अपने स्वर्णिम करियर का आगाज करने वाली मनु यूथ ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है। भोपाल में चल रही शूटिंग की नेशनल चैंपियनशिप में मनु भाकर ने 25 मीटर एयर पिस्टल में भी 4 मेडल जीत इस श्रेणी में भी अपना दावा पक्का कर दिया, और अब टोक्यो ओलंपिक्स में देश का झंडा ऊंचा करने की चुनौती सामने है। छोटी उम्र में ही निशानेबाजी के विभिन्न मंचों पर इतिहास रचने वाली प्रतिभा की धनी, हरियाणा की बेटी और देश का गौरव विश्व कप विजेता मनु भाकर ही है हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात मनु भाकर से। मनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी में। शुक्रिया मैम। मनु, आपने राष्ट्रीय स्तर पे, कॉमनवेल्थ में, एशियन में, फिर वर्ल्ड कप तक जाकर इतनी छोटी उम्र में इतने सारे गोल्ड मेडल्स हासिल कर लिए, इतने रिकॉर्ड तोड़े और बनाए हैं आपने, कोई भी सुनने वाला वाकई हैरानी करता है कि 2-3 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आपको भी अविश्वसनीय सा लगता है क्या ये? मेरा मानना है कि जब आप मेहनत करते हो तो आपके लिए कोई भी सीमा नहीं होती है। आप कितना भी अच्छा कर सकते हो, आप जितने ज़्यादा एफर्ट्स उस चीज़ में लगाओगे उतना ज़्यादा बेहतर दिन ब दिन करते जाओगे। तो मेरी शुरू से यही बिलीफ रहा है कि मैं जितनी ज़्यादा मेहनत करूँगी तो उतने ही ज़्यादा एक्सेल मैं डेफिनेटली होने वाली हूँ। तो इसीलिए यही विश्वास रहा कि ज़रूर सफलता मिलेगी, तो इसीलिए मैं करती रही। और सफलता मिलती भी जा रही है। वैसे आप बचपन से इतने सारे खेल खेलती रही हैं, कौन कौन सी गेम्स खेली हैं आपने बचपन में, और फिर शूटिंग भी क्या खेल खेल में ही आजमा ली? शूटिंग भी मैंने खेल खेल में ही आजमाया था। उससे पहले मैं बहुत सारे खेल खेल चुकी हूँ, आप जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, बैडमिंटन, ओह माय गॉड, स्विमिंग, लाइक खो खो, देन कबड्डी, बहुत सारे हैं। और कई गेम्स में मैंने सुना है कि आप अच्छे स्तर तक, राज्य के स्तर तक या फिर नेशनल लेवल तक भी पहुंचे। मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, कराटे में मैंने बहुत ही अच्छा खेला है, और नेशनल लेवल पर भी मैं बहुत बार गोल्ड जीत चुकी हूँ। तो फिर शूटिंग कैसे शुरू हुई? शूटिंग भी ऐसे खेल खेल में मैंने जैसे ट्राई किया था, सिर्फ कि मैं अलग अलग खेल मेरे को खेलना बहुत अच्छा लगता था, और मैं ऐसे कोई भी अलग अलग स्पोर्ट होता था मैं उसको ट्राई करती थी। तो इसी तरह से शूटिंग भी मेरे नज़र में आया, तो मैंने शूटिंग को भी ट्राई किया, और धीरे धीरे बहुत ही जल्दी मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सेल कर गई, क्योंकि कराटे बॉक्सिंग की वजह से मेरा फिजिकल बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तो उसकी वजह से एक बहुत प्लस पॉइंट मिला मेरे को। फायदा हो गया आपको हाँ कराटे का। अच्छा, आपको कहा जाता है कि खेलो इंडिया ये बहुत महत्वाकांक्षी खेल योजना जो मोदी सरकार ने शुरू की, और आप इस खेलो इंडिया की पहली बड़ी सफलता है। तो खेलो इंडिया ने कैसे आपको और अवसर दिए, कौन सी ऐसी सुविधाएँ मिली जिनके हिसाब से आप आगे बढ़ पाएं? खेलो इंडिया मेरा मानना है कि वन ऑफ़ द बेस्ट स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट जो चला रही है उनमें से वन ऑफ़ द बेस्ट हैं, क्योंकि ये ना ही सिर्फ जो खेल रहे हैं उनको इंस्पायर करती है, बट जो नहीं भी खेल रहे हैं उनको भी इंस्पायर करती है कि जाओ आप खेलो और कुछ अच्छा करो, देश के लिए करो, अपने लिए करो, या फिर फिज़िकल फिट रहो।
हम जैसे शूटिंग में आते हैं तो शूटिंग में जितने भी बच्चे खेलो इंडिया के अंडर आते हैं सबको रोल टेम्पलेट मतलब जितनी भी सुविधा इक्विपमेंट से लेके जो रोज़गार की चीज़ें होती हैं उनको वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे एक्सेल होके बच्चे निकलते हैं, उनको बहुत सपोर्ट मिलता है और उनको उनकी जितनी भी ज़रूरतें होती हैं खेल के लिए वो सब पूरी होती हैं और वो आपको भी उसका लाभ बिल्कुल मिला। अच्छा मनु, आप चूंकि छोटी ही हैं और जब आपने शूटिंग शुरू की तब भी आप जाहिर है 14 साल की हुई होंगी तब, तो किस तरीके का बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ गया? उस वक्त क्या दिनचर्या होती थी आपकी और अब आज क्या बदलाव आया है? मेरी दिनचर्या शुरू से ही बहुत स्ट्रिक्ट रही है क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी, मैं बॉक्सिंग करती थी तो बॉक्सिंग में भी सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती थी और बीच में स्कूल, और उसके अलावा फिर शूटिंग से जस्ट पहले मैं कराटे करती थी और शूटिंग के टाइम पे भी वो कंटिन्यू था। काफ़ी टाइम तक मैंने कराटे शूटिंग दोनों को कंटिन्यू रखा था और कराटे में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हमारा दिनचर्या रहती थी क्योंकि सर थे वो आर्मी रिटायर्ड थे और वो बहुत ही ज़्यादा लाइक सख्त वाली ट्रेनिंग कराते थे। तो शुरू से आपको अच्छा डिसिप्लिन मिला इसका मतलब है। स्पोर्ट्स वाइज यस। हाँ, अच्छा जब आपने पहली बार राष्ट्रीय मेडल जीता, क्योंकि आपने जब नेशनल गेम्स में परफॉर्म किया तो 11 गोल्ड मेडल, मतलब आपने छोड़ा नहीं किसी के लिए कोई गोल्ड मेडल। हाँ। उस समय का ये सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली, मतलब उससे पहले कभी किसी ने इतने मेडल्स नहीं जीते थे और मैंने इतने सारे मेडल्स जीते तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ थी। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि मैंने इतने सारे मेडल्स जीते, इतनी सारी अचीवमेंट्स, मतलब बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए कि अभी भी बहुत ही अच्छा लगता है पीछे देखती हूँ तो कि मैंने इतना ज़्यादा अच्छा किया था। बिल्कुल, लेकिन नेशनल से आगे अगर हम इंटरनेशनल मेडल की बात करें तो एशियन मेडल, कॉमनवेल्थ मेडल, ये बताइए, क्योंकि हर उपलब्धि बहुत खास होती है अपने आप में, वो किसी भी स्तर की क्यों ना हो, तो जब आपने पहला अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीता तो आपकी पहली प्रतिक्रिया थी क्या उस वक्त, क्योंकि आप बहुत छोटी थी उम्र में? फर्स्ट में जब मैंने जीता था तो मैं जूनियर्स में कम्पीट कर रही थी और जूनियर्स में मैंने सिल्वर जीता था बट उसमें मैंने 0.1 से गोल्ड मिस कर दिया था। तो मैं बहुत अपसेट थी, मैं सोच रही थी कि मैं इससे और अच्छा कर सकती थी और स्वर्ण पदक ऑफकोर्स जीत सकती थी। थोड़ा सा मतलब खुश भी थी कि मेरे फर्स्ट इंटरनेशनल में मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था मेरा, और दुखी भी थी कि मेडल गोल्ड नहीं आया, वरना नेशनल एंथम सुनने को मिलता ना इसलिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जब गोल्ड आया तब? हाँ तो बहुत ही शानदार महसूस किया क्योंकि वर्ल्ड कप पे मैंने फर्स्ट टाइम गोल्ड जीता था और उसी टाइम पे जब दूसरे की कंट्री में आप अपना नेशनल एंथम सुनते हो, जब उसकी रिस्पेक्ट में सब लोग खड़े होते हैं तो उससे अच्छी फीलिंग मुझे नहीं लगता कोई और होगी, बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, अपनी जीत का जश्न कैसे मनाते हैं, चाहे घर आके ही सही, लेकिन जीत का जश्न कैसे मनाती हैं आप? जश्न अभी अभी उसका समय नहीं आया है, अभी इकट्ठा ही जश्न मनाएंगे कभी। इंतजार है और बड़े असाध्य लक्ष्यों का। बिल्कुल। मनु, आपके मामा प्रिंसिपल रहीं, आपके पापा इंजीनियर, तो पढ़ाई पर भी जोर रहा होगा, तो क्या कभी कश्मकश भी रही कि भाई इतना सीरियसली मत लो गेम्स को, और अब उनके रुख में कोई बदलाव, कैसा रहा उनका रुख हमेशा? नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा कि मैं पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छी थी और अच्छी हूँ और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में तो हमेशा एक्सेलेंट रही हूँ, तो ऐसे कभी प्रेशर नहीं था। मैं जो छोटी क्लासेस में थी तो मैं पढ़ाई बिल्कुल भी लाइक मतलब बिल्कुल बहुत ही कम करती थी, मैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर ध्यान देती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था बाहर फील्ड में जाके, ग्राउंड में जाके खेलना किसको नहीं पसंद आता। बिल्कुल। और क्लासरूम में बैठ के पढ़ना और फिर थोड़ी देर बाद वो बोर कर देता है, तो मैं शुरू से स्पोर्ट्स में थी बट मुझे कोई कुछ नहीं कहता था, मुझे इनफैक्ट मम्मी पापा बहुत ज़्यादा बोलते थे कि जाओ खेलो ना, इसमें भी क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते, इसमें भी करो, तो सब चीज़ में कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी, लाइक हर फील्ड में मैं
हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ। हरियाणा की बेटी कहाँ कहाँ जाकर देश का नाम रोशन कर रही है ना। अच्छा, 10 मीटर एयर पिस्टल ये इवेंट है जिसमें आपकी लंबी फहरिस्त हो चुकी है अभी तक भी गोल्ड मेडल्स की। हमारे दर्शकों के लिए हम ज़रूर जानना चाहेंगे ये कि इसमें क्या खास होता है, क्योंकि अमूमन लोग सोचते हैं कि अरे निशाना ही तो लगाना है कितना मुश्किल होता है। जैसे जनरली हम शूटिंग की बात करते हैं कहीं पे भी, तो लोग बोलते हैं निशाना लगाना है वो तो कोई भी लगा सकता है, खड़े होके कोई भी लगा लेगा, हम देखो हम लगा के दिखाते हैं तुमसे अच्छा लगाएंगे। फिर लगता है कि ठीक है करो, हाँ हमें भी करके दिखाओ कि आप इतना अच्छा कर सकते हो, पर असल में होता है कि हमको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होता है। हमको एक जगह पे इतनी देर तक खड़े रहने के लिए, हमारा मैचेस होते हैं 1.5 घंटे से 2 घंटे का, तो इतनी देर तक एक ही जगह पे खड़े रहना, वो भी लगातार एक ही काम को बार बार करते रहना, और अपने दिमाग में कुछ और चीज़ को नहीं आने देना, बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, बहुत ही बड़ा लाइक माइंडसेट रखना पड़ता है उसके लिए। कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। Definitely. ये तो आपकी वाकई होगी। हाँ, तो ऐसे में इतने मेडल्स के पीछे राज क्या है, जीत का मंत्र क्या है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस या कुछ और? बिल्कुल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अच्छा, मैच से एकदम पहले आपकी मनस्थिति क्या होती है? कुछ नर्वसनेस होती है क्योंकि आप इतने बड़े बड़े मंच पर, वर्ल्ड कप तक आप मेडल्स जीत चुकी हैं और इतने दिग्गज वहाँ पर तो शूटर्स आते होंगे, तो कभी कोई नर्वसनेस हुई? इनफैक्ट जो हम नेशनल में खेलते हैं या फिर कोई भी इंडिया के अंदर भी कोई टूर्नामेंट होता है उसमें भी नर्वसनेस रहती है, और उसका लेवल बिल्कुल सेम होता है जितना हम वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि जो चीज़ आपके दिमाग को लगता है इम्पॉर्टेंट है उससे पहले आप नर्वस हमेशा होते हो, तो ये चीज़ कभी भी नहीं हो सकती कि आप किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ से पहले नर्वस ना हो। तो अगर आप नर्वस नहीं हो तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा मायने ही नहीं रखती है। बिल्कुल। तो जो चीज़ आपके लिए मायने रखती है उस चीज़ को अच्छा करने के लिए आप नर्वस होते हो, तो उससे पहले मैं जस्ट सॉन्ग सुनती हूँ और उसके बाद जस्ट थोड़ी देर शांति से बैठ जाती हूँ, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ बस। अच्छा, एक बार मैं कहीं पढ़ रही थी अगासी फेडरर के बारे में, और वो कह रहे थे कि अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए वो ठंडा पानी तक नहीं पीते हैं, एसी का कम से कम इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाते हैं तब जाकर उनकी ये परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को मिलती है। आप भी क्या अपने खान पान में या अपने लाइफ में कोई ऐसे चेंजेस आप महसूस करते हैं कि लाने पड़ते हैं अपने गेम के प्रति सीरियसनेस दिखाने के लिए? अभी से नहीं, बहुत ही पहले से ये चीज़ चलती आ रही है, क्योंकि बॉक्सिंग और कराटे में आप देखोगे तो हमको वेट मेंटेन करना पड़ता है, तो उसकी वजह से हम ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, कुछ भी चीज़ नहीं खा पाते हैं, मुश्किल से हार्डली कभी महीने में एक दो बार ऐसे चीट डाइट, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा टफ वाला मेंटेन नहीं कर रही हूँ, बट यू नो पहले से शुरू से वो आदत हो चुकी है कि मैं बॉडी फिटनेस मेंटेन करूँ, शुरू से फिटनेस अच्छी है। मतलब हमने दंगल में देखा कि गोलगप्पे नहीं खाती थी, चाट नहीं ऐसा कुछ हुआ कभी? देखो गोलगप्पे की टोटल अलग चीज़ है, उसको नहीं काउंट करते हम बाकी को जैसे स्वीट्स और ये सब नहीं खाते हैं, क्योंकि जब हम मीठा खाते हैं तो उससे हमारी हार्ट रेट पे फर्क पड़ता है, तो मीठा ज़्यादा नहीं खाते हैं। आपको मीठा पसंद है? डेफिनेटली। यानी हम समझ सकते हैं कि आप मीठा कंट्रोल करते हैं अपनी शूटिंग के लिए। अच्छा, अब आप ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, एक सबसे बड़ा मंच माना जाता है खेलों के लिए ओलंपिक्स, कैसी चल रही है तैयारी? तैयारी अपने तरफ से हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरी जी जान से ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर अभी तक टीम्स सेलेक्ट नहीं हुई है ओलंपिक्स के लिए, तो अभी तक सिर्फ मैं कह सकती हूँ कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छा खेलूँ। बिल्कुल, ओलंपिक्स की बात आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें तेजस्विनी मनु भाकर के साथ। पूरी मेडिकल कम्युनिटी खड़ी है आपके लिए ढाल बनके, हम हैं कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। हम हैं कोरोना वॉरियर। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। थैंक यू। थैंक यू प्रिया, गुड जॉब। थैंक यू नेहा, सेव लाइफ। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स फॉर सेविंग अस।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं देश की जानी मानी निशानेबाज मनु भाकर। मनु, ब्रेक से पहले हम ओलंपिक्स की बात कर रहे थे, आप सेलेक्ट हो जाएं टीम में, ये सबकी शुभकामनाएं हैं, लेकिन आपने एक बार कहा था कि आप 10 मीटर के साथ साथ 25 मीटर पिस्टल के लिए भी इस इवेंट में भी आप परफॉर्म करना चाहेंगी, तो क्या आपकी कोशिश रहेगी कि म्यूनिक वर्ल्ड कप की कम अच्छी यादें थी उनको मिटाया जाए? वैसे हुआ क्या था वहाँ पर म्यूनिक में, आपकी पिस्टल प्रॉब्लम कर रही थी? म्यूनिक में हुआ यूँ था कि 25 मीटर में मैं बहुत ही ज़्यादा फाइनल्स में, फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई हो गया था। फिर जैसे ही फाइनल राउंड शुरू हुआ तो मैं तब से लेके लास्ट तक मैं बिल्कुल फर्स्ट पे चल रही थी। फिर जब फिफ्थ एलिमिनेशन का टाइम आया था, उस टाइम पे मेरी पिस्टल से शॉट फायर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके इंटरनल कुछ चीज़ें टूट गई थी जिसकी वजह से वो शॉट बैरल से निकल नहीं रहा था, और उसकी वजह से मैं फिफ्थ पे एलिमिनेट हो गई और मेरा ओलंपिक कोटा रह गया और मेरा मेडल भी रह गया। अच्छा मनु, आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो आधी जंग तो अपने दिमाग में ही जीत लेते हैं, यानी विश्वास उनको बहुत होता है अपने आप के ऊपर। अब जब आप ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस पहलू पर कितना जोर रहता है? डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको स्थिर रखती है, वही आपको टिकाऊ रखती है इतने ज़्यादा टाइम तक। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप किसी भी चीज़ को ईजिली डील कर सकते हो। तो स्पेशली शूटिंग में मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमको मतलब इतनी देर तक हमको एक ही चीज़ पे फोकस करना होता है कि हमारा दिमाग कहीं और ना जाए और सिर्फ यही रहे और बातें भी कुछ और ना आए, तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मोस्टली गाने सुनती हूँ। अच्छा, और वैसे ये आप स्टूडेंट्स को मत बताइएगा, वरना वो सिर्फ गाने सुनेंगे कंसंट्रेट करने के लिए। नहीं, सिर्फ गाने नहीं सुनती हूँ मैं। अच्छा। मोस्टली गाने सुनती हूँ, थोड़ी देर अकेले बैठती हूँ और थोड़ा सा कुछ नहीं सोचती हूँ, बस थोड़ा सा ऐसे फोकस रखती हूँ अपनी, मतलब फोकस करती हूँ किसी भी किसी चीज़ पे भी नहीं, सिर्फ खाली दिमाग और कुछ भी नहीं। और ये बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये बहुत मुश्किल होता है, सबके बस का नहीं होता है, वो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही होता है। बिल्कुल। और सर हेल्प करता है। अच्छा, आपके फ्रेंड्स, आपके स्कूल फ्रेंड्स, अब तो आप कॉलेज में आ गई हैं, आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन होता है आपको लेकर, कुछ बदलाव कि अरे मनु भाकर निशानेबाज हो गई हो अब तो तुम? स्कूल में पहले जैसे जैसे नई नई मैंने शूटिंग शुरू की थी तो मैं क्लासेस बहुत बंक करती थी, तो सब लोग मुझे बोलते थे शूटिंग के लिए क्लासेस बंक कर रही है, ठीक है। अच्छा। फिर धीरे धीरे शूटिंग बहुत ही एक्सेलेंट होती गई, क्योंकि इंटरेस्ट आ जाता है जब आप एक चीज़ को इतना फॉलो करते हो तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। तो जैसे मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो चुका था, तो धीरे धीरे बहुत एक्सेलेंट परफॉर्म करती गई मैं। तो उसके बाद से लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई कुछ कर नहीं सकता है, आपके बीच का भी कोई इंसान एक्सेलेंट हो सकता है। ये बात तो सही है, तो आप उनके लिए इंस्पिरेशन एक तरीके हाँ, से बन कह सकते हैं, क्योंकि सबके पेरेंट्स मेरे नाम से उनको ताना मारते हैं। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, शूटिंग में एक्सेलेंट हो, गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी ऑफर हो चुकी है, सब मतलब सब चीज़ों से ज़रा सीखो मनु भाकर से। हाँ, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, आपके और क्या शौक है? हमने सुना है कि आपको एक्टिंग का बड़ा शौक है। सही खोली मैंने, थोड़ा बहुत है मतलब। किस तरीके से आप, क्योंकि हमने सुना है कि आप एक्टिंग करती रहती हैं, डायलॉग मारती रहती हैं, ये बात सही है? जैसे जनरली कोई चीज़ होती है, कोई टॉपिक होता है, उस पर उससे रिलेटेड मैं कभी ऐसे डायलॉग मार देती हूँ, और ऐसे कोई फिल्म वगैरह के डायलॉग्स नहीं मारती हूँ। जैसे कोई एग्जांपल? जैसे एक दिन गूगल मैप से हम कहीं जा रहे थे तो रास्ते में गूगल मैप्स बंद हो गया, और जो मेरे दोस्त है वो बोल रही थी कि इसी रास्ते में सीधे सीधे आगे चलते हैं, तो मैं बोल रही थी कॉन्फिडेंट मत हो, थोड़ी देर रुक जा, किसी से पूछ ले, बट उसने नहीं पूछा। फिर बहुत हम आगे चले गए, उसके बाद जब गूगल मैप्स चला तो हमें पता चला हमें वापस बहुत ज़्यादा पीछे जाना है। तो मैंने उस टाइम पे बोला था कि ज़िंदगी में इतनी भी आगे मत बढ़ो कि जिन कदमों से तुम आगे आए हो उन्हीं कदमों से तुम्हें पीछे भी जाना पड़े उसी डगर से। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए। अच्छा मनु, आपके लाइफ में वैसे तो कोई भी कहेगा कि ये सवाल पूछने का क्या औचित्य है, क्योंकि आप तो शूटर हैं तो शायद यही आपके लाइफ का पैशन हो, लेकिन ज़िंदगी में आप क्या बनना चाहती हैं, शूटर ही या फिर कुछ और? ये मैंने कभी नहीं सोचा है, और ऐसा मतलब जब भी मैं सोचती हूँ तो मतलब
ऐसा कभी मैंने विचार नहीं किया कि यही मुझे स्पेसिफिक बनना है, बट जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो होता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी मुझे लेके जाएगी, जैसा मूड जो भी ज़िंदगी में आने वाला है वही सही है, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा, जो भी होगा रास्ता अपने आप बन जाएगा, मुझे बस फॉलो करना है, मेहनत करनी है। सोशल मीडिया फॉलो करती हैं आप? थोड़ा बहुत। मतलब आपकी उम्र के बच्चे खास तौर पर यू नो देखा जाता है, फेसबुक को छोड़ते नहीं हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, आपको तो टाइम भी नहीं मिलता होगा शायद। फेसबुक पे नहीं हूँ मैं, व्हाट्सएप पे मैं सिर्फ काम के इंपॉर्टेंट मैसेजेस ही आते हैं मेरे पास, और कुछ भी नहीं आता है। बाकी इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत मैं एक्टिव रह जाती हूँ, ट्विटर पे भी थोड़ा बहुत कभी कभी, ऐसे महीने में एक बार। मतलब इस मामले में भी सब कहते होंगे कि देखो देखो मनु भाकर को, है ना, फेसबुक और सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अच्छा, अब आगे आपका सबसे इस वक्त सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होगा? ओलंपिक्स? डेफिनेटली। और अगर हम पहले से ही मान कर चलें कि आपने ओलंपिक्स के लिए आप सेलेक्ट हो गई और आप फाइनल राउंड्स तक पहुँच गई और आप जीत गई, अगर कोई ऐसा मौका आपके सामने आएगा तो आपके मुँह से पहला शब्द क्या निकलेगा? भारत माता की जय। क्योंकि आपके लिए वहाँ पे एंथम बजेगा और वो आपके लिए सबसे बड़ा लम्हा होगा, है ना। अच्छा, आपसे मैं 10 सवाल नहीं कह रही लेकिन 10 शब्द एक एक करके बोलूँगी। हर शब्द के लिए आपके मन में जो पहली सोच आएगी आपको हमें वो बताना होगा। शुरू करें? हाँ। हालांकि इस पहले ऑप्शन का मुझे जवाब पता है फिर भी पूछ रही हूँ। प्रतियोगिता? शूटिंग। खाना? मम्मी का हाथ का बना कुछ भी। मस्ती? आइस स्केटिंग। फैशन? लहंगा। डर? किसी से नहीं। खास लम्हा? नेशनल एंथम बज रहा हूँ। मम्मी पापा? सपोर्टिव। पढ़ाई या निशानेबाजी? दोनों, पर निशानेबाजी ज़्यादा। ओके। नापसंद? एटीट्यूड वाले लोग। सपना? जो सच हो जाए। और उम्मीद करते हैं आपके सपने सारे बहुत सच हों क्योंकि आप सारे शूटिंग से रिलेटेड इस वक्त सोच रही हैं। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया आप ज़्यादा फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन जब भी आप किसी मेडल के लिए कोशिश कर रही होती हैं पूरा देश आपको सपोर्ट करता है, आपको ये एहसास होता है उस वक्त? क्या इसकी वजह से कोई प्रेशर कभी फील होता है क्या? इस चीज़ का दोनों तरह से हम देखें तो दोनों पहलुओं में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम देखते हैं कि अगर उसका नेगेटिव कोई असर होता है तो होता है कि इतने सारे लोग हमसे उम्मीद करते हैं, अगर हम हार गए वो हार से एक डर होता है, अगर हम हार गए तो लोग क्या हमको सपोर्ट करेंगे या फिर हमारा साथ छोड़ देंगे मोस्टली, क्योंकि लोग फिर ट्रोल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और फिर, पर उनको नहीं दिखता कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हम जीते, पर फिर वो मजाक उड़ाने लग जाते हैं तो उस चीज़ का डर लगता है। बट पॉजिटिव वे में अगर हम लेते हैं तो कि हाँ, हमारे देशवासी हमारे साथ खड़े हैं, हम हारेंगे जीतेंगे हम सब साथ हैं, हम अपने देश के लिए बेस्ट करने के लिए यहाँ आए हैं और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे में जब बड़े दिग्गज खिलाड़ी जैसे तेंदुलकर आपके लिए ट्वीट करते हैं तो उनके लिए क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग अभी आजकल सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं पूछ रहे, शूटिंग को भी बहुत ही ज़्यादा मायने में रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पहले मोस्टली क्रिकेट को ही ज़्यादा पूछते थे, पर अब जैसे क्रिकेटर्स हैं, सचिन सर हैं, वो भी हमारे लिए ट्वीट करते हैं, हमको अच्छा लगता है कि हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हमको भी लाइक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा मनु, अब आपने चूंकि आपको 3 साल हो चुके हैं शूटिंग करते हुए, आपने इतने पड़ाव पार कर लिए हैं, इससे पहले की भी एक ज़िंदगी थी आपकी और आज की भी एक ज़िंदगी है आपकी, शूटिंग की निशानेबाजी की वजह से आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क आया है? शूटिंग पहले अगर कंपेयर करेंगे तो मैंने सारे सिर्फ जो मतलब मारपीट वाले स्पोर्ट है वही खेले थे, और उसके बाद सिर्फ एकदम से शूटिंग पे स्विच होना, कॉन्सेंट्रेशन पावर को मजबूत करना और इतनी सारी चीज़ें यू नो फोकस करने के लिए अपनी लाइफ में लाना, तो बहुत टोटल लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, टोटल जितनी भी चीज़ें आप करते हो वो पूरी बदल जाती हैं। और शूटिंग के बाद सब लाइक जैसे मैं जीतने लगी हूँ तो सब लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत खुशी होती है कि हाँ, सब यही लोग मैं जानते बोलने वाली थी कि मैं इस सवाल के दायरे को बढ़ाती हूँ कि आपके सोशल सर्कल में क्या फ़र्क आया। सब लोग जानने लगे हैं, सब लोग मेरी तरफ बहुत पॉजिटिव बिहेव करते हैं, कोचेज भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सब लोग बहुत सपोर्टिव है, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है, हरियाणा सेंट्रल सब लोग लाइक सब पूरा जो मेरा एनवायरनमेंट है बहुत पॉजिटिव है और आई होप ये एटीट्यूड हमेशा रहे। देखिए, मैंने सुना है कि आप बचपन में बहुत शैतान थी। मैं
मतलब ऐसे नहीं, पर नॉर्मली यही करती थी, स्पोर्ट्स के लिए क्लासेस बंक करना या फिर कपड़े वगैरह पेंट करना या फिर मतलब डांट तो पड़ती होगी मम्मा पापा से। मैं कपड़े वगैरह भी काट देती थी, इनफैक्ट आज भी काट देती हूँ। किस लिए? कुछ नया कुछ ऐसे करने के लिए। तो फिर डांट पड़ती है आज भी? डांट तो नहीं पड़ती कभी भी। अच्छा, पहले भी नहीं? अरे बाप रे, आपके माँ पापा तो बहुत प्यार करते हैं। प्यार नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ, डांट भी आपकी शरारत भी सह जाते थे, ये बड़ी बात है। आज आपको अपने माँ पापा को अगर इस मंच से कुछ कहना हो तो क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ कि मैं शो नहीं कर पाती हूँ कि मैं प्यार करती हूँ नहीं करती, पर मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं जिससे भी प्यार करती हूँ मैं कभी भी उनको मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, बट ट्रूथ है कि मैं सही में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये सपोर्ट हमेशा बना रहे। और देशवासियों को आप क्या कहना चाहेंगी जो आज इस उम्मीद के साथ आपको देखते हैं कि हमारे ओलंपिक का मेडल मनु भाकर ज़रूर लेकर आएगी अगर सेलेक्ट हो जाती हैं तो? हमेशा से मैं कोशिश करती आई हूँ और अभी भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने देश को सर्वोच्च रखूँ और सबसे ऊपर हमारा देश हो और हमारा नेशनल एंथम बजे मेरी वजह से, और हम उसके लिए रोज़ मेहनत करते हैं। मैं बस आशा करती हूँ कि ये सच हो। आपकी आशाएं भी सच हों और पूरा देश इस बात के लिए आपके साथ खड़ा है। मनु, लगकर डटकर करिए मेहनत और उम्मीद करते हैं कि मेडल आप ज़रूर लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनु हमारे साथ बात करने के लिए, इस कार्यक्रम में हमारे शिरकत करने के लिए। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी हमारे साथ मनु भाकर। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर लेकर एक और तेजस्विनी अपने साथ। लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।